कंप्लेन किसने किया है सर? कंप्लेन इस लड़की के जो फैमिली वाले हैं, इसने कंप्लेन आया और एक सोशल मीडिया से कंप्लेन आया है। सोशल मीडिया में एक गंदा वीडियो वायरल हो रहा है, तो सोशल मीडिया में जो हेल्पलाइन नंबर है उससे फोन आया था। आपका नाम बताइए सर एक बार। जी मेरा नाम विक्रम गोस्वामी है, IPS ऑफिसर। मैं आपको CBI का डालू क्या अपना? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, धोखे से फिल्म बन जाने के बाद जब आपके पास तथाकथित साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI ऑफिसर या फिर अन्य कोई ऑफिसर बनके आपको फ़ोन करता है, कोई IPS अधिकारी बनके फ़ोन करता है, तो आपसे किस तरीके से बात करता है उसकी थोड़ी सी झलक और बताने वाले हैं। और उसके बारे में आपको ये भी बताएंगे बीच बीच में, पूरा वीडियो मज़ेदार होने वाला है और इस वीडियो को आप एज ए रोस्ट ले सकते हैं। जो लोग धोखे से फिल्म बनाते हैं उनकी जाहिलता को दिखाते हुए वो किस तरह से आपके पास साइबर क्राइम वाले बनकर फ़ोन करते हैं और किस तरह से लोग डरते हैं, इस फिल्म में, इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल मतलब ये फ्रॉड अलर्ट धनेश, उसका लिंक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वो हमारा बैकअप चैनल है, भविष्य में अगर इस चैनल के साथ कोई दुर्घटना घटती है, भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि ऐसा ना हो, अगर होता है तो एक बैकअप चैनल जहां हम आपसे जुड़े रहेंगे, तो उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं वो ऑडियो जिसमें बातचीत हो रही है एक साइबर क्राइम ऑफिसर और एक पीड़ित के बीच में, जब बातचीत के कुछ देर बाद पीड़ित साइबर क्राइम अधिकारी को ज़बरदस्त जवाब देने लगता है तो वो जो साइबर क्राइम अधिकारी रहता है वो फ़ोन काट देता है। उसके बाद पीड़ित फ़ोन करता है उसके पास और कहता है कि आपने तो फ़ोन काट दिया, उसके बाद आगे की बातचीत क्या है वो ज़रा सुनते हैं। जी मैं थोड़ा यहाँ पर बिजी हूँ, इन्वेस्टिगेशन। एक सेकेंड। हेलो हेलो। हाँ जी सर, आप तो काट फोन कट कर रहे हो। जी मैं थोड़ा यहाँ पे बिजी हूँ इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो लड़की के फैमिली वाले वो हमारे पास यहाँ पे आए हैं रिपोर्ट लिखाने। मतलब भवदे लोग, कहने का मतलब उसका ये है कि वो भाई का फोन काट के कह रहा है कि अभी मैं बिजी हूँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए लड़की के घर वाले आए हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इनकी झूठ कैसे। इन्होंने अभी कहा कि लड़की के घर वाले आए हुए हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने। आप सुनना। हाँ हाँ सर, इसमें उसको ले रहा हूँ मैं, ठीक है सर। इसमें हमारी क्या गलती है आप बताओ। देखो आपकी गलती बेटा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपकी गलती है, आप लड़की को जानते नहीं हो, फिर उसको आप मैसेंजर पे नंबर दे रहे हो अननोन पर्सन के लिए, आप लड़की को जानते नहीं है फिर उसके लिए नंबर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? नहीं सर, फेसबुक में तो ऐसा होता है ना। नहीं ये आपको आपको लग लड़की फंसाने वाली लग रही है, तो लड़की को आपको नंबर नहीं देना चाहिए था। आप लड़की को नहीं जानते तो क्यों नंबर दे रहे हैं? क्या काम था आपको लड़की से? आप गलती तो ये कर रहे हैं कि लड़की को नंबर दे रहे हैं, फिर ऊपर से लड़की सेक्स की बोल रही है, आप हाँ बोल रहे हैं, आप ऐसे देश को बदनाम कर रहे हैं, आप पढ़े लिखे बंदे होके भी ऐसे गंदे काम कर रहे हैं तो देश को बदनाम कर रहे हैं। वाह यार वाह, मतलब यार इनकी बात करने का इसी बिल देश और बदनामी राष्ट्रीय स्तर पर, पूरी पुलिस भेज रहे हैं, पूरी CBI, इनके जो शब्द रहते हैं वो कितने भारे भारे रहते हैं। अननोन पर्सन तो ही करेंगे ही इस काम को, आपको तो देश को रोकना पड़ेगा। नहीं सर, आपको जब लगता है वो लड़की गलत है तो उसको पकड़ना चाहिए ना। देखो आपकी बात मैं समझता हूँ, लेकिन लड़की को ऑलरेडी से टीम निकाल दिया है अरेस्ट करने के लिए, लड़की को कुछ ही समय में अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट आपको कॉल लगाया जा रहा है क्योंकि ये वीडियो अगर वायरल हो गया तो इसमें आपकी इज्जत जाएगी, मेरी थोड़ी इज्जत जाएगी। देखो बेटा सुनो सर, इज्जत जाएगी इसमें तो पकड़ने की कोई बात नहीं ना, इज्जत मतलब देख रो सुनना की कोई बात नहीं ना, इज्जत ही तो जाएगा ना जाने सर। देखो मेरी बात सुनो, अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में जाएगा, सोशल मीडिया हमसे सवाल जवाब करेंगे, ये वीडियो कैसे बना और किसका है सर, तो हम सर जवाब देंगे उसको। सुनो 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 सर सुनो, सोशल मीडिया में ऐसे बहुत सारे वायरल केसेस है, अभी आपने किसी को देखा है अरेस्ट करते हुए बताओ? देखो बेटा हम तो अरेस्ट करेंगे क्योंकि लड़की के जो फैमिली वाले हैं, लड़की गायब है, लड़की की फैमिली वाले भी तो वहाँ पर रिपोर्ट लिखाने आए हैं किसके साथ। हाँ तो आप एक काम करो सर, आप वो कर लो सर, गायब है तो पूछताछ करके देख लीजिए, इसमें तो अरेस्ट करने की कोई बात नहीं, आप इंक्वायरी करके देख लीजिए।
को इस मैटर से बाहर नहीं निकलना तो कोई बात नहीं है, मैं आपको कॉल नहीं करूंगा बेटा, मैं डायरेक्टली आपसे मिलूंगा और आपको अरेस्ट करके लेके आऊंगा, क्योंकि आपको 1.5 साल के लिए जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू के लिए आपको बता रहा हूँ सर। इन्वेस्टिगेशन, लड़की को आपने पकड़ा? लड़की को अरेस्ट करने के लिए टीम निकाल दे, मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, मैं प्यार से। अब क्या बोल रहे, मतलब लड़की के घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराने आए हैं और लड़की की अरेस्ट के लिए टीम निकाल दी है। जब भाई ने कहा कि आपने लड़की को अरेस्ट किया तो कह रहा कि लड़की को अरेस्ट करने के लिए टीम निकाल दिया है। मामले को इनको अभी पता चला जब इनके घर वाले आए हैं, लड़की के घर वाले रिपोर्ट दर्ज करवाने, उसकी रिपोर्ट दर्ज कर रहे हैं। अभी इसने शुरुआत में बोला था, अब कह रहा है कि लड़की के लिए हमने टीम निकाल दी है। बात करता हूँ तब तक प्यार से बात करना मेरे। ओ हो, बेटा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को नहीं सर, मैं प्यार से ही बात कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ सर। लड़की गलती सर इसमें ज्यादा किसका है सर, बताओ आप। तो लड़की का गलती है, मैं मानता हूँ लड़की का गलती है, आप भी गलती कर रहे हो, जबरदस्ती लड़की आपका कपड़ा तो उतार नहीं रही, जबरदस्ती कर रही है क्या? हाँ तो इसमें मुझे हाजिर। अरे मेरी बात सुनिए, लड़की आपसे जबरदस्ती थोड़ी कर रही है, कपड़े निकालो, आप निकाल रहे तभी तो लड़की आपको दिखा रही है। हाँ वो सर, आपकी वीडियो बना रही है लड़की। हाँ सर, हाँ सर बना रही है। फिर क्यों कर रहे हो ये सब? अरे ज्यादा सेक्सी बन रहे हो का? अगर ये वीडियो आपकी फैमिली के लिए दिखाया जाए तो फैमिली वाले घर में नहीं रहने देंगे, आप बच्चों का नाम बदनाम कर रहे हैं। देखो आप पढ़े लिखे बंदे हो, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है सर, फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है, समाज में तो दिक्कत है ना सर। ऐसी बहुत सारी तो वीडियो वायरल हुआ है ना। मेरा भी हो जाए। अरे किसका हुआ है हमें बताइए, हमारे पास जो कंप्लेन आता है हम उसका ऑब्जेक्शन उठाते हैं। ऑब्जेक्शन हमने आपको समझाने के लिए कॉल किया है, बेटा इस मैटर से अच्छे से बाहर से बाहर निकल जाइए, ये दोबारा काम गंदा ऐसा कभी मत करना है। कंप्लेन किसने किया है सर? कंप्लेन इस लड़की के जो फैमिली वाले है, इसने कंप्लेन आया और एक सोशल मीडिया से कंप्लेन आया है, सोशल मीडिया में एक गंदा वीडियो वायरल हुए हो रहा है, तो सोशल मीडिया में जो हेल्पलाइन नंबर है उससे फोन आया था मेरे पास, सर यहाँ पे ऐसे ऐसा मैटर आया हुआ है, इसको कंप्लेंट में डालो। ठीक है सर, आप हेल्पलाइन नंबर से फोन भी उसने ही दिया है। ठीक है सर, आप एक काम करिए सर, पूछताछ कर लीजिए सर, क्योंकि हमारे पास, हम उतना मेहनत करके खाते हैं सर, हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम पैसा पे नहीं कर पाएंगे सर। ठीक है तो बेटा, मैंने तो आपको, मैं आपसे जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ, ठीक है, आपको जो नहीं करना है तो कोई बात नहीं है, फिर मैं आगे से इन्वेस्टिगेशन, हमें यहाँ से जो भी इन्वेस्टिगेशन है आपकी लोकेशन पे मैं आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सर। आपका नाम बताइए सर एक बार। जी मेरा नाम विक्रम गोस्वामी है, IPS ऑफिसर। मैं आपको CBI कार्ड डालू क्या अपना? नहीं 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 सर, ऐसा कोई बात नहीं, बस हमें यही जानना चाहते हैं बस। ठीक है तो, ठीक है बेटा, तुम वेट कर लो। ठीक है, मतलब जाहिलों की जहालत का जीता जागता उदाहरण अंत में देखने को मिला। मेरा नाम है विक्रम गोस्वामी, IPS ऑफिसर, मैं अपना CBI कार्ड डालूं क्या? विक्रम गोस्वामी IPS ऑफिसर, CBI कार्ड डालूं क्या? मतलब एक IPS कार्ड भेज रहा है किसी के पास। हम तो आज तक कभी किसी को अपना आई कार्ड दिखाते नहीं, दिखा भी नहीं सकते। उनके ऊपर कार्रवाई हो ना हो, जो डिपार्टमेंट का कार्ड किसी को दिखाएगा उसके ऊपर जरूर हो जाती है, खासकर व्हाट्सएप पर। इस तरह से आप ना किसी को डायरेक्ट कन्वेस कर सकते हैं, उनसे इन्वेस्टिगेशन आपको करनी है प्रॉपर, उसका थ्रू चैनल होता है, आपको थ्रू चैनल चलना पड़ता है, ऐसे फ़ोन करके आप मानवाली नहीं कर सकते। ठीक है, फ़ोन पे, हाँ फ़ोन पे आपको बुला सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर रियल है। अब बुलाने के लिए, पूछने के लिए इनके कोई ठिकाना तो है ही नहीं, मेवात के बीहड़ों में, जंगलों में ये पड़े हैं, खेतों की डोल मेड पर बैठकर ये इस तरह का काम कर रहे हैं। तीसरी फेल, चौथी फेल, पांचवी फेल, जाहिल गंवार ये अपनी बातों से, अपनी भाषा से, अपने शब्दों से चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि हम जाहिल हैं, हाँ हम गंवार हैं, हाँ हम मेवात के अनपढ़ हैं। ये मेवात के मेहनती लोगों का नाम इन्होंने खराब कर रखा है। मेरे भाई, ऐसी अगर कॉल आपके पास भी आती है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक नंबर के जाहिल, बेहिया, ठीट किस्म के इंसान हैं। तीसरी फेल है, पांचवी फेल है, आठवीं फेल है, अगर कोई बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा तो दसवीं फेल होगा, फेल जरूर होगा।
उम्र इनकी ज्यादातर जो होती है आजकल अभी शुरू हो गई है 10 से 12 साल के बच्चे शुरू कर रहे हैं। बताओ 12 से 22, 23, 24 साल तक के ये लगभग 80% लोग रहते हैं अपराधी। हो सकता है मतलब कुछ 10-20% थोड़ी बड़ी उम्र के भी होते हैं, क्योंकि इनका जो नेक्सस है वो सह परिवार चलता है। इनके इस अपराध में इनके घर के हर परिवार के सदस्य का भागीदारी होती है। इनकी मां को पता है कि मेरा बेटा साइबर अपराध कर रहा है, इनके बाप को पता है, इनकी बहन को पता है, पर कोई कुछ नहीं कहता है क्योंकि घर में हराम की कमाई आ रही है। तो ऐसा कोई भी, चल मुझे ज्यादा लेक्चर देना नहीं है इनके ऊपर, ये इतना डिजर्व भी नहीं करते इन जाहिलों के ऊपर हम कुछ बोले। तो ऐसी वीडियो कॉल, ऐसी ऑडियो कॉल आपके पास आए तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है। इनको इनकी इज्जत अनुसार, इनकी औकात अनुसार आप अपने शब्दों को थोड़ा कटीला करके इनके ऊपर शब्दधारी बाण छोड़ सकते हैं, जो भी आप छोड़ना चाहें। आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।